नमस्कार दोस्तों। दोस्तों यदि आपने राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म भरा है और राजस्थान पुलिस की आप जोरदार तरीके से तैयारी कर रहे हो तो इस वीडियो को आपको आज पूरी अंत तक जरूर देखनी है। आज दोस्तों हम जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो है दोस्तों राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का फिजिकल कब से स्टार्ट होने जा रहे हैं। पुलिस कांस्टेबल के जो फिजिकल है वो कब से स्टार्ट होने जा रहे हैं इसकी डेट को लेकर दोस्तों कुछ अपडेट लेकर आया हूँ। इसके अलावा जो दोस्तों खबर आ रही है वो खबर क्या है प्रूफ के साथ मैं आपको आगे बताने वाला हूँ कि आपके फिजिकल कब से स्टार्ट होने जा रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों बहुत का डाउट ये भी आ रहा है कि फिजिकल की हम तैयारी करें या नहीं करें, हमारे तो 12th लेवल सिस्टम सिर्फ इतने नंबर बन रहे हैं तो क्या हम 15 गुणा में शामिल भी होंगे या नहीं होंगे, तो उस मुद्दे पे भी हम बात करने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों बहुत का डाउट ये भी आ रहा है कि हम पे रनिंग नहीं हो रही है, हम पे दौड़ नहीं हो पा रही है 5 किलोमीटर, तो अब हम क्या करें, फिजिकल को ज्यादा समय नहीं बचा है, तो उस मुद्दे पे भी हम बात करेंगे। और 15 गुणा की लिस्ट को लेकर दोस्तों क्या अपडेट है, क्या 15 गुणा की लिस्ट आएगी तो कब तक आएगी और कैसे आपको देखनी है, सभी मुद्दे पे हम आज बात करने वाले हैं। दोस्तों बहुत का डाउट ये भी आ रहा था कि आप रोजाना वीडियो क्यों नहीं लेके आते, तो दोस्तों आपको सबको पता होगा मैं खुद भी तैयारी कर रहा हूं, मेरी एग्जाम थी दोस्तों कल 1 अक्टूबर को, उसकी मैं प्रिपरेशन कर रहा था, वो मेरी एग्जाम लग चुकी है। अब आपको रोजाना दोस्तों किसी न किसी टॉपिक पर वीडियो जरूर मिला करेगी जिसमें आपको सबको पता होगा ये चैनल दोस्तों जो जाना जाता है वो जाना जाता है राजस्थान पुलिस भर्ती के लिए, आपको सबको पता होगा दोस्तों, तो आप उसको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना यदि आप भी इस भर्ती में सेलेक्ट होना चाहते हो तो। तो दोस्तों पहला मैं आपका डाउट क्लियर कर देता हूं कि 15 गुणा की लिस्ट आएगी भी या नहीं आएगी, क्योंकि आपने फॉर्म तो डाल दिया लेकिन आपके अंदर ये डाउट बना हुआ है कि मैं 15 गुणा में शामिल भी होऊंगा या नहीं होऊंगा, तो 15 गुणा की लिस्ट है वो कब तक आ जाएगी, आएगी भी या नहीं आएगी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं ये भर्ती है इसको जल्दी कंप्लीट करना है, तो आपकी 15 गुणा की लिस्ट है लगभग दोस्तों सभी जिलों की तैयार हो चुकी है, लेकिन मुझे लगता है दोस्तों आपकी 15 गुणा की लिस्ट है वो नहीं आएगी, सीधे ही आपके एडमिट कार्ड है वो जारी किए जाएंगे, ये आपको सबको पता होगा। दोस्तों मैं पहले से बताता आ रहा था कि कम चांस बन रहा है कि आपकी 15 गुणा की लिस्ट आए, आपके डायरेक्ट दोस्तों जो भी बच्चे उनको लेने हैं उनके SSID पर फिजिकल के एडमिट कार्ड है वो डाल दिए जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों यदि 15 गुणा की लिस्ट आती है तो सबसे पहले आपको वीडियो इसी चैनल पर मिलने वाली है, क्योंकि और चैनल वाले दोस्तों आपको रोजाना गुमराह कर रहे हैं, मैं भी दोस्तों वीडियो तो यूट्यूब पर जरूर देखता हूं, बहुत आपसे बोल रहे हैं कि 15 गुणा की लिस्ट आ गई है, थोड़ी देर में आ जाएगी, फलानी तारीख को आ जाएगी, तो ऐसे लोगों से आपको बच के रहना है, वो सिर्फ दोस्तों अफवाह फैलाने का कार्य कर रहे हैं। यदि 15 गुणा की लिस्ट आएगी तो आपको सबसे पहले सूचित कर दिया जाएगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दूसरा डाउट आ रहा है वो डाउट आ रहा है कि फिजिकल में कौन कौन शामिल होगा, कौन कौन है वो रनिंग करे, रनिंग की तैयारी करे, किस किस को फिजिकल के लिए बुलाया जा सकता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं फिजिकल के लिए कितने बच्चों को बुलाया जाएगा, 15 गुणा नहीं दोस्तों, लगभग 60,000 के आसपास बच्चों को, 55,000 से और 60,000 के बीच में बच्चों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, उनके एडमिट कार्ड है वो SSID पर डाले जाएंगे। तो ये तो डाउट निकाल दो कि सिर्फ 52,000-53,000 को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, नहीं, लगभग 58,000 से 60,000 बच्चों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। दूसरी बात है दोस्तों फॉर्म, अब की बार फॉर्म ज्यादा नहीं आए हैं, 2,72,000 के आसपास ही टोटल फॉर्म आए, कितने 2,72,000 टोटल फॉर्म आए हैं, तो ज्यादा कंपटीशन नहीं है, तो अब की बार आपकी कट ऑफ थोड़ी बहुत कम रहने वाली है, ज्यादा कट ऑफ आपकी नहीं जाएगी। तो किस किस को तैयारी करनी चाहिए, जिनके भी थोड़े बहुत अच्छे नंबर बढ़ रहे हैं, अच्छे नंबर का मतलब यह है 140-150 के आसपास भी नंबर बढ़ रहे हैं 12th लेवल सिटी में, उनको भी फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, उनको भी फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए। तो यदि आपने भी पुलिस का फॉर्म डाला है और आपके थोड़े बहुत अच्छे नंबर बढ़ रहे हैं, अच्छे का मतलब यह है 140-150 के आसपास बढ़ रहे हैं, तो आपको फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए और आपको फिजिकल के लिए बुलाया भी जा सकता है। तो ये डाउट मैंने आपका क्लियर कर दिया, बहुत आपको दोस्तों गुमराह कर रहे हैं, रोजाना वीडियो लेकर आ रहे हैं कि फिजिकल की कट ऑफ इतनी रहने वाली है फलाने जिले की, तो ऐसे लोगों पर आपको कम ध्यान देना है दोस्तों, आपको फिजिकल की तैयारी करते रहना है। तीसरे नंबर पे दोस्तों मैं आपको बता दूं फिजिकल कब तक हो जाएंगे, तो दोस्तों आपने सभी न्यूज़पेपर में पढ़ भी लिया होगा और खबर दोस्तों यही निकल के आ रही है कि आपकी जो फिजिकल है वो अक्टूबर के महीने में कंप्लीट ले लिए जाएंगे, तो अब आपको तैयारी है वो अक्टूबर मानकर ही करनी है। तो अक्टूबर के कब तक आपके फिजिकल हो सकते हैं, दोस्तों मैं पहले से बताता रहा हूं अक्टूबर के मिड तक है आपके फिजिकल शुरू हो जाएंगे, लगभग दोस्तों 15 अक्टूबर के आसपास है वो आपके फिजिकल शुरू हो जाएंगे, तो कतई भी आपको टेंशन नहीं लेनी, आपको फिजिकल की तैयारी है वो करनी है। और जैसे ही दोस्तों फिजिकल के एडमिट कार्ड आते हैं या फिजिकल की डेट आती है तो सबसे पहले आपको वीडियो में इसी चैनल पर मिल जाए। तो अभी आपके पास 10 से 15 दिन का समय है, 10 से 15 दिन में अभी तक भी आपने दौड़ नहीं करी है, आज से भी आप स्टार्ट करते हो तो आप आराम से दौड़ है वो कंप्लीट कर लोगे, आराम से दौड़ आपकी क्लियर हो जाएगी।
और एक बात और बता दूं, जो बच्चा दौड़ कर जाएगा ना उसके सिलेक्शन होने के ज्यादा चांस बनेंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास ज्यादा कंपटीशन नहीं है, आराम से आप नौकरी ले जाओगे। तो रनिंग अभी तक नहीं करी है तो आज से ही शुरू कर दो। आगे मैं आपको बता दूं, बहुत ये बोल रहे हैं कि मुझ पे रनिंग नहीं हो रही है, मुझ पे दौड़ ही नहीं हो पा रही है। दोस्तों रनिंग का कोई मूल मंत्र नहीं है, एक ही मूल मंत्र है, रोजाना प्रैक्टिस। यदि आप रोजाना प्रैक्टिस करोगे तो आराम से आपकी रनिंग है वो भी कंप्लीट हो जाएगी। स्टार्टिंग में आपके पैरों में दर्द होगा, लेकिन जैसे ही दोस्तों आप रोजाना प्रैक्टिस करोगे, रोजाना दौड़ करोगे, तो आराम से धीरे धीरे आपकी रनिंग है वो 5 किलोमीटर 20 मिनट में 22 मिनट में आ जाएगी, आप आराम से कंप्लीट कर लोगे। तो वापस बोल रहा हूँ, अभी तक भी आपने फिजिकल की तैयारी शुरू नहीं करी है तो 15-16 अक्टूबर मान करके फिजिकल की तैयारी शुरू कर दो। इसके अलावा दोस्तों इसी चैनल पर मैं मोटिवेशनल वीडियो लाता रहूंगा, जिनके भी अंदर दोस्तों थोड़ा सा नेगेटिव भर जाता है कि मैं दौड़ नहीं कर सकता, मेरे 12th सीटी में कम नंबर है, तो मेरी वीडियो लगातार आती रहेंगी। इसलिए मैं बोल रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और आपके दोस्तों 12th सीटी में कितने नंबर बन रहे हैं, कौन से जिले से आपने फॉर्म अप्लाई किया है, या आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।